हेलो एवरीवन, होपफुली आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा डाउन है। दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, क्योंकि मेरा जो वेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा मोटा हो गई हूँ मैं, तो इस वजह से नहीं लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है। काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, इस वजह से मेरा कफ वगैरह हुआ है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम बोरिंग फील हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉगिंग करूँ, शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट किया, लेकिन उसके बाद मैं अभी तक बाहर नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। लगता है अब धूप निकल आया, तो चलो फिर थोड़ा सा बाहर जाते हैं, देखते हैं। तो चलो तो गाइस, मैं बाहर आ गई एंड देखिए धूप वगैरह आ गई है, तो चलो आपको मैं कुछ दिखाती हूँ। ओके, देखिए ये सारे जितने भी पौधा है, इसमें जितने भी फूल वगैरह है, सब कुछ विंटर के लिए मैंने उगाया है। देखिए आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे इसका नेम पता नहीं। ये तो एलोवेरा है, आप सबको बताए। ये गेंदा है, देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, आपको दिखाती हूँ मैं जूम करते हुए। ये भी देखो आप लोग, एक मिनट, कितना ज़्यादा सुंदर है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड ये देखिए, कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। एंड ये देखिए, इसका नेम आई थिंक पेटूनामा है। इसका बहुत सारे वेराइटीज़ है मेरे पास, अलग अलग कलर की। ये एक, ये दूसरा कलर की, आपको दिखाती हूँ मैं जूम करते हुए। एंड ये जो फूल है, इसका नेम क्या था, सॉरी सॉरी, ये पेटूनामा है और इसका नेम डाइनथेथिस, पता नहीं क्या है, डाइनथेथिस ऐसा ही कुछ था। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है, मुझे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस वजह से करती हूँ। अब मैं जब भी नया पौधा उगाऊंगी ना, तो मैं उसका ब्लॉग जो है आपके आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए ये भी देखिए, ये आया हुआ है, कब आएगा पता नहीं। गाइज देखिए, ये जो पौधा है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसका जो फूल वगैरह है बहुत ही अच्छा है, विंटर के लिए एकदम बेस्ट है। आप भी अगर घर में उगाना चाहते हो तो उगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड इन सब का प्राइस बहुत ही कम है, आई थिंक ये मुझे 30 रुपीज़ में मिल गई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका नेम डाइनथेसिस क्या है पता नहीं, जो भी है मैं आपको बाद में लिख के दूंगी। देखिए ये बहुत सारे कलर की है, ये एक कलर की, ये और ये, और ये भी है, इसमें नहीं आया है फूल, शायद आएगा अभी। देखो बहुत सारे फूल है, इसको तो आपने काफ़ी बार देखा ही होगा मेरा ब्लॉग वगैरह में, वीडियो वगैरह में। एंड ये जो पौधा है ये मेरा फेवरेट है, ये मैं अपने रूम पर रखती हूँ, इंडोर है ये, तो मैं इसको रूम पर ही रखती हूँ, लेकिन आज थोड़ा धूप धूप के लिए इसको मैंने बाहर रख दी है। देखिए मैं इसका मिट्टी के ऊपर, ये जो पत्थर वगैरह है इस पर मैं थोड़ा सा कलर करके इससे अच्छी तरीके से डेकोरेट की है। मुझे सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं दिखाती हूँ आपको रोसेस, बहुत सारे वराइटीज़ की रोसेस है हमारे घर में। एक तो है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें येलो कलर का है, लेकिन अभी तक नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। रुको, मैं रेड कलर का जो रोसेस है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये है देखिए, कितना सुंदर है, बहुत सारे रोसेस लगा हुआ है, बहुत पसंद है मुझे। एंड देखिए कितना क्यूट सा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ एक बार अच्छी तरीके से। एंड गाइस, और एक रोज है आपको दिखाती हूँ मैं, ये जंगली रोज है शायद, क्या है पता नहीं, ये
पिंक कलर का है, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे रेड कलर का रोज बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आया। ये है मेरे अचार का डिब्बा, इसमें अचार नहीं है, खत्म हुआ है, बाहर रख दी है किसने पता नहीं। देखिए मैं कुछ इस तरीके से बोतल में भी, मतलब वेस्ट जो बोतल है उसमें भी पौधा वगैरह लगाई है। जब ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, ओके। फिलहाल मैं अच्छी तरीके से नहीं दिखाया, लेकिन जब ये ग्रो करेगा तो 100% मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। गाइस देखिए ये जो मतलब फूल है पौधा, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन इसका भी नेम मुझे पता नहीं। मतलब जितना भी पौधा है ना घर में, इन सब का मतलब ज्यादातर पौधे का मुझे नाम पता नहीं है। एंड गाइस देखिए ये जो पौधा है ये भी काफी ज्यादा सुंदर है, एंड इसका जो ग्रोथ है ये काफी अच्छी तरीके से होती है। मतलब आई थिंक 15 डेज में मतलब फूल वगैरह आ जाती है, काफी ज्यादा सुंदर है। अगर आप टाइम टू टाइम पानी वगैरह दोगी ना तो बहुत ही जल्दी इसका जो फूल है वो आती है। गाइस मैं ना अपने पौधे पर मतलब चाय की जो पत्ती है, चाय बनाने के बाद जो वेस्ट पत्ती है वो डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह है जो कि पौधे के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप भी डाल सकते हो। एंड मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ अपने गार्डन के साथ, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि मैं अपने पौधे को किस तरीके से उगाती हूँ वगैरह वगैरह, अगर आप देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट ब्लॉग में वो भी मतलब यू नो शेयर कर दूंगी। गाइज आज मैंने इन पौधों को अभी तक पानी नहीं दिया है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, एंड मैं सो रहा था, थोड़ा लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इन पौधों पर पानी डालूंगी, तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। गाइस मैं जब भी मतलब पौधे पर पानी डालती हूँ ना तो मैं बाल्टी भर के पानी ले आती हूँ, नहीं तो बार बार जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे पौधा है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ही दिखाया। मतलब विंटर का जितना पौधा है मैं सिर्फ उतना ही आपको दिखाया, सारे मैंने नहीं दिखाया। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं सिर्फ विंटर का जो मतलब फूल वगैरह है इतना ही आपको दिखाया है। तो चलो फिर मैं पानी डाल देती हूँ। तो गाइस मुझे इन पौधे पर भी पानी डालनी है, ओके। तो गाइस सभी पौधे पर मैंने पानी डाला, कुछ कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मैंने सभी पौधे पर पानी डाला, एंड मैं एकदम थक गई हूँ, तो अब मैं जाऊंगी नहाने, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कपड़े वगैरह धोनी है तो वो मैं डाल देती हूँ, रुको। सो गाइस आज धोने के लिए ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस ये है और माँ की कुछ कपड़े हैं, तो मैं उन सब कपड़ों को धोने के लिए रख दूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी, ओके। तो चलो मैंने कपड़े धोने के लिए रख दी है तो अब मैं जाऊंगी नहाने। सो मैं नहा के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैं एकदम नहा धो के फ्रेश होके आ गई, अब मैं कहने वाली हूँ माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, तो चलो। ढूंढे तुझे बेवजह लिपा आँखें मेरी हर जगह, मैं हूँ कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। तो ये जो लाइन है ना गाइस, तू इतना जरूरी कैसे हुआ, तो ये मैं अपनी सारे सब्सक्राइबर, मेरी बहन, मेरी बुआ जो भी है, मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स वगैरह, इन सब को डेडिकेट कर रही हूँ। सो गाइस माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इज डन, तो चलो फिर किचन पर मिलती हूँ। गाइस वेलकम टू माय किचन। सो गाइस सबसे पहले मैं अपनी किचन की जो साफ सफाई है वो करूंगी। मैं खाना बनाने से पहले एक बार सफाई करती हूँ, एंड खाना वगैरह बनाने के बाद फिर
फिर एक बार सफाई करती हूँ। तो आप मैं अपनी किचन का थोड़ा सफाई वगैरह करूंगी, देन उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो गाइस खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने बनाई जो मीठे जो कद्दू है ना, उसको मैंने फ्राई किया, जो भाजी है वो बनाया। एंड गाइस साथ ही मैंने बनाया लौकी विथ मछली फिश, ये भी हो गया, तो मैं आप ऑफ कर दूंगी। तो गाइस हो गई खाना बनाना। एक बात बोलूँ मैं आपसे, जब मैं ना पहली बार इस घर में शादी करके आया तब ना मुझे खाना बनाना, ऑनेस्टली बोलूँ खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे आप मुझे खाना बनाना आ गई है। एंड बिलीव मी, अब ना मुझे खाना बना के बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है। जब मैं अपने हाथों से खाना बना के अपने फैमिली को खिलाती हूँ ना, एंड उसके बाद उन सब के चेहरे पर जो रौनक आती है ना, वो देख के मुझे सच बोलो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं और भी ज़्यादा यू नो सेल्फ मोटिवेट होती हूँ जब भी, मतलब यू नो तारीफ वगैरह करती है, तो मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो आप मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं बनाती भी हूँ। एंड गाइस आप ना मुझे बहुत कुछ यू नो रेसिपी वगैरह आती है, मैं सीख गई, तो अगर कभी टाइम हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस चलिए अब मैं चलती हूँ धूप में, थोड़ा विटामिन डी लेती हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर, एंड विटामिन डी लेने के साथ साथ मैं विटामिन सी भी ले रही हूँ। आप मेरा बिग बॉस देखूँगी, जैन उसके बाद आप सबसे बात करती हूँ। ओके मैं रात को नहीं देखती हूँ बिग बॉस, मैं दिन को ही बिग बॉस देखती हूँ। तो बिग बॉस देखने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस मेरे हस्बैंड को आने का टाइम हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर क्या बनाऊँ, फिर मेरे मन में आइडिया आया क्यों ना मैं ऑरेंज जूस बनाऊँ। तो मैं ऑरेंज जूस बनाऊँगी एंड आपके साथ जो ऑरेंज जूस का रेसिपी है वो भी शेयर करूँगी। तो आप लोग ऑरेंज जूस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑरेंज, देन हमें चाहिए थोड़ा सा वाटर, एंड ऑरेंज जूस का जो टेस्ट है उसको इन्हेंस करने के लिए मैं ऐड करूँगी हनी। अगर आपके पास हनी नहीं हो तो ऐसे में आप शुगर भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं ऑरेंज का जो पील है उसको निकाल दूंगी। फिर गाइस ऑरेंज का जो ये व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये सब, इसको भी अच्छी तरीके से रिमूव करनी है, नहीं तो ऑरेंज जूस का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। गाइस देखिए मैं यहाँ 3 ऑरेंज ली है, तो अब मैं इसको बनाऊंगी। सो गाइस जितने भी ऑरेंज है आप हम इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी, डाल दूंगी। एंड गाइस आप मैं इसमें थोड़ा सा यू नो वाटर ऐड कर दूंगी बस। सो गाइस देखिए जूस मैंने बना ली है, दिखाती ये है फ्रेश ऑरेंज जूस। सो गाइस मेरा हस्बैंड आ गया, तो अब मैं उनको पिलाऊंगी ऑरेंज जूस एंड उनका रिएक्शन भी देखती हूँ। ओके हेलो जी, क्या है ये? पहले ऑरेंज जूस। तुम पी लो, या ये मेरे लिए। आपके लिए मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, कैसा लगा टेस्ट बोलो ऑर्गेनिक बोलो। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जैसा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, डेली ऐसा करके मुझे दिया करो। जब मैं घर में आऊँगा तो डेली ऐसा करके एक गिलास जूस दिया करो, ठीक है? ओके सो गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, एंड अगर आप मेरी इस तरीके की ब्लॉग देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।